गाइस, सो कैसे आप सब लोग। और आज बहुत दिन बाद कैमरे के सामने आ रही हूँ, सो थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा है। सो अगर कोई मिस्टेक होता है तो सॉरी। तो आज है 12 नवंबर और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो मैं वही इसीलिए किचन में हूँ कि बर्थडे का कुछ मैं सोची कि थोड़ा बहुत स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि केक वेक कटिंग नहीं कर रहे हैं और कोई मतलब कि कहीं घूमने भी जाना नहीं हुआ बाहर बाहर। सो घर में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो और सबसे मतलब कि अच्छी बात ये है कि आज वीरवार है, कि आज के डे पे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। और तो तभी सब कुछ आज वेज ही है, और वेज में मैं उनके लिए बनाऊंगी आज पनीर भुर्जी और मटर पनीर और बोले कि वेज पुलाव और क्विनोआ की खीर, क्योंकि बर्थडे है सो खीर तो होना चाहिए। तो अगर मैं चावल का खीर बनाऊंगी तो वो नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ। तो मैंने एक बार वीडियो देखा था कि क्विनोआ का खीर भी बनता है, तो मैंने सोचा कि वही खीर बनाऊंगी क्विनोआ का, तो ये खा लेंगे। तो वही मैं खीर भी मेरा बन चुका है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा खीर, ये बनके तैयार हो गया है। और ज़्यादा भी नहीं बनाई, ऐसे मतलब कि सिर्फ उनके लिए ही बनाई, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे क्विनोआ खाने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सिर्फ उनके लिए ही बनाया है। सो ये लाइक अ दलिया जैसा लग रहा है, हालांकि ये दलिया नहीं, ये क्विनोआ है, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। और वो ये जो जिम विम डाइट वाइट करते हैं वही लोग खाते हैं। और अभी मैं फटाफट भी नहीं बनाऊंगी, धीरे धीरे बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम 7 ही हो रहा है। तो और वो है भी नहीं घर पे, क्योंकि दिवाली का सीजन है। सो कहीं से कॉल आया और फिर उन्हें ऑफिस भी जाना था और थोड़ा सामान भी लाना था, इसीलिए वो चले गए हैं। तो आते आते टाइम हो जाएगा 8:30-9 बज जाएगा, तो तब तक खाना सब ठंडा हो जाएगा। तो धीरे धीरे बनाऊंगी, लेकिन हाँ मैंने मटर पनीर भी बना चुकी हूँ मैं, और अभी सिर्फ मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी और ये वेज पुलाव बनाऊंगी। तो तब तक चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरा दिवाली गिफ्ट, जो कि ये लेकर आए थे इसे, और फिर लाने के बाद इसमें मतलब कि जो मिट्टी का था, तो फिर इन्होंने इसमें कलर वलर किया है, कलर करके इतना सुंदर बना दिया। ये देखिए पप्पा, ये भी ये कलर मतलब कि ऐसे ही जो मिट्टी वाला मिलता है वो खरीद कर लाए थे, और उसे भी इन्होंने कलर किया है। तो इधर मैंने पुलाव बनाने का प्रोसेस कर दिया स्टार्ट, इसमें डाल दे रही थोड़ा, मैं ऐड कर दे रही पनीर, तो ये देखिए बनके तैयार हो गया है हमारा वेज पुलाव। तो अब हम आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। अब सेम कढ़ाई में ही मैं बना लूंगी भुर्जी।
মতলব কি কিছু হবে তারপরে আপনার সামনে যাব, এর আগে যেতে পারবো না? এদিক ওদিকে ঘুরছেন কেন? तैयार हो गया है। सो आप देख सकते हैं, ये है खीर और ये है भुज्जी, ये है मटर पनीर, एक चपाती और मिक्स वेज पुलाव।